हेलो दोस्तों, वेलकम और ग्रीन हाउस नर्सरी में। दोस्तों आज हम ग्रीन हाउस नर्सरी में अपने जो चाइना कमला की एक्चुअली जो हमारे बगीचा है, मदर प्लांट है, एक्चुअली जिस मदर प्लांट से हम पौधा तैयार करते हैं उसी में आपको लेके आए हैं। और उसी प्लांट को हम एक प्लांट को आपको बीच में शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पौधा तैयार करने के बावजूद किस तरह फ्रूट लगा हुआ है वो आपको बीच में शेयर कर रहे हैं। दोस्तों ये है चाइना कमला। ये चाइना कमला, इसका सबसे खासियत ये है, ये आपको भर भर के फल देते हैं, मतलब गुच्छे में फल आते हैं। अब देखिए, ये देखिए, इसमें चार फल लगा हुआ है, इसमें पांच सात फल लगा हुआ है, ये मतलब आप देख सकते हैं। आपको हम गिन के कैसे बताएं, ये देखिए एकदम ऊपर से नीचे तक किस तरह फल लगा हुआ है, और ये अंदर से बाहर तक। अब देखिए, अब देख सकते किस तरह फल लगा हुआ है, ये सब देखिए किस तरह फल लगा हुआ है, ये सब देखिए किस तरह फल लगा हुआ है। दोस्तों इसका खासियत ये है, इसका फल आता है एकदम भर भर के, और दूसरी बात, ये मैच्योर्ड होने के बाद ना इसका जो कलर आता है वो एकदम बदल जाता है। अब ये एकदम से ग्रीन कलर है, एकदम से ग्रीन कलर है, प्लस ये तो मैच्योर्ड नहीं है, छोटा फल है। और ये जब मैच्योर्ड हो जाएगा ना, एकदम से पीला हो जाएगा, मतलब येलो कलर आ जाएगा, इसका पूरी तरह से येलो हो जाएगा। और ये जब येलो हो जाएगा, इस पौधे की लुक ही बदल जाएगा, देखने में बहुत मज़ा आता है। दूसरी बात, इसका जो खाने की है, इसमें रस आता है, काफ़ी मात्रा में रस होता है, मीठा है, वो भी हम बुरा नहीं कर सकते, मीठा ठीक ठाक ही है, क्योंकि इसका चाइना कमला की हमारी इंडिया के मार्केट में खूब चल रहा है, तो अगर लोग पसंद नहीं करते तो चलता भी नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है, आप जैसा बारियन माल्टा है, वेनर माल्टा है, जो भी बाकी जैसा आपको लेमन की फ्रूट प्लांट आप करते हो, मतलब फार्मिंग वगैरह कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप इसका भी, चाइना कमला के भी आप फार्मिंग कर सकते हैं। एक तो इसका काफ़ी मात्रा में फल आते हैं, प्लस इसका कलर भी एकदम बदल जाते हैं, तो मार्केट वैल्यू भी अच्छा होते हैं कलर बदलने के कारण से, तो आप इसका खेती आराम से कर सकते हैं, अच्छे खासे मुनाफा आता है, क्योंकि एक ही बार आपको इन्वेस्ट करना है और पूरे साल भर आप इसमें से फल लो, ठीक है। तो दोस्तों और एक बात है, अगर आप चाहे तो इसका गार्डन पर भी लगा सकते हैं, आप किसी पॉट में आपकी छत के टेरेस के ऊपर लगा दीजिए, आपके गार्डन पर लगाइए, आराम से आपका फल देगा, डेढ़ दो साल के अंदर इसमें फल आ जाएगा। और इसमें इतना मात्रा में फल आ जाएगा ना, तो आप जब तक आप फल नहीं आएगा आपको समझ में नहीं आएगा जो कितना मात्रा में फल आता है। और ये मैच्योर्ड के होने के बाद ये इसका कलर बदल जाते हो, हमने कहा येलो हो जाते, जब ये गार्डन पर लगाएंगे आप, टेरेस गार्डन पर लगाएंगे, तो इसका कलर एकदम येलो हो जाता है, मतलब आपको जो गार्डन की ना वो एकदम लुक बदल देता है। ये जो फल जब येलो हो जाएगा आपके गार्डन के लुक बदल देगा, तो आप आराम से आप इसको गार्डन पर लगाइए और इसका फल की भी मजा ले सकते हैं, प्लस गार्डन की जो लुक है उसको भी आप बदल सकते हैं। तो दोस्तों इसका पौधा हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो हमारे से इसका पौधा मंगा सकते हैं, चाहे एक पीस, पाँच पीस, दस पीस, पचास पीस, हज़ार पीस, जितने भी चाहे आप हमारे से मंगा सकते हैं। गार्डन वाले लोगों के लिए हमारे पास होम डिलीवरी की सुविधा है, जो आप लोगों का घर तक पहुंच जाएगा, ऐसा सुविधा भी हमारे पास है, तो आप आंखें बंद करके हमारे से मंगा सकते हैं, क्योंकि हम वही पौधा बेचते हैं जो हम सक्सेस है, जिसका हमने फल लाने में सक्सेस हुआ है, ऐसी प्लांट हम बेचते हैं, तो ये सब हमारे पास सक्सेस है, आप हमारे से आंखें बंद करके मंगा सकते हैं, कोई डुप्लीकेट होने का कोई भी संभावना नहीं है, एकदम आपको जेन्युइन पौधा दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की फ्रूट प्लांट की ज़रूरत है, हमारे नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी नर्सरी कलकत्ता में है, हमारे पास होम डिलीवरी की सुविधा भी है। वीडियो यही ख़त्म करते हैं, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, हमारी ग्रीन हाउस नर्सरी की जानकारी लेने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।